डिसकंटिन्यू द टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स, तो हम हाइड्रोसील को डिस्कस कर रहे थे, उसका हमने एक टाइप डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ वेजाइनल हाइड्रोसील। देन उसका नेक्स्ट टाइप है इन्फेंटाइल हाइड्रोसील। सो इन्फेंटाइल हाइड्रोसील में क्या होता है कि वेजाइनल हाइड्रोसील तो एक पहले हम देखते हैं वेजाइनल हाइड्रोसील क्या था, तो वो तो एक स्क्रोटल स्वेलिंग थी, तो उस पर हम उसके ऊपर तक जा सकते थे, गेटिंग अबव द स्वेलिंग पॉसिबल था। एंड इनडायरेक्ट इन्वाइनल हर्निया में भी क्या होता है कि हम ऊपर नहीं जा सकते, कांट गेट अबव द स्वेलिंग ना, क्योंकि वो एक स्क्रोटल स्वेलिंग नहीं होती है। अब इन्फेंटाइल हाइड्रोसील के केस में क्या होता है कि इसमें भी वी कांट गेट अबव द स्वेलिंग, क्योंकि ये जो स्वेलिंग होती है वो अप टू द डीप रिंग होती है, तो ये काफ़ी ऊपर तक रहती है, इसलिए गेटिंग अबव द स्वेलिंग पॉसिबल नहीं होता इन्फेंटाइल हाइड्रोसील के केस में। एंड इसका मैनेजमेंट क्या होता है कि एक्सेस सैक का हम एक्सिशन कर देते हैं, जो ऊपर तक सैक चला गया है उसका, और साथ में फिर जो सैक बचा रहता है उसका इवर्शन कर देते हैं, इवर्शन ऑफ सैक। और नेक्स्ट टाइप है कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील। कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील किसकी वजह से होता है, पेटेंट प्रोसेसेस वेजाइनलिस की वजह से होता है। एंड ये जो पेटेंट प्रोसेसेस वेजाइनलिस है वो कम्युनिकेट करता है पेरिटोनियल कैविटी से। एंड इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, हर्नियोटोमी करते हैं इसमें कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील में, और 2 से 3 साल की एज तक कर दिया जाता है। सो कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसील ना इनडायरेक्ट इन्वाइनल हर्नियल सैक को एंकम्पनी करता है हमेशा, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी से वो कम्युनिकेट करता है और वहाँ से फिर हर्नियल सैक आ सकता है ऑफकोर्स इसीलिए। नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड। तो हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड जो है ना, वो इसमें स्मॉल स्वेलिंग होती है अलॉन्ग द कॉर्ड, ये जैसे डायग्राम में दिख रहा है एंसिस्टेड हाइड्रोसील उस तरीके का रहता है। इसमें क्या किया जाता है कि स्वेलिंग को रिमूव कर दिया जाता है बिना कॉर्ड स्ट्रक्चर्स को डैमेज किए, बस उस स्वेलिंग को रिमूव करना होता है। नाउ नेक्स्ट स्पर्मेटोसील और एपिडिडाइमल सिस्ट में क्या डिफरेंस रहता है ये हम देखते हैं। तो स्पर्मेटोसील जो है यूनिलोक्युलर होता है, एक ही जगह पे रहता है वो, जबकि एपिडिडाइमल सिस्ट है वो मल्टीलोक्युलेटेड होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखता है वो। देन सेकेंड स्पर्मेटोसील इन्वॉल्व करता है एपिडिडाइमल हेड स्पर्म ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को, तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। देन एपिडिडाइमल सिस्ट में क्या होता है कि सिस्टिक डिजेनरेशन हो जाता है एपिडिडाइमिस का। देन थर्ड डिफरेंस क्या है, स्पर्मेटोसील में बाले कलर्ड का फ्लूइड दिखता है और इसीलिए उसमें कोई ट्रांसल्यूमिनेशन नहीं होता है, जबकि एपिडिडाइमल सिस्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड रहता है और इसमें ट्रांसल्यूमिनेशन प्रेजेंट रहता है, और इसलिए वो एक चाइनीज लैंटर्न पैटर्न शो करता है, तो ट्रांसल्यूमिनेशन कुछ चाइनीज लैंटर्न की तरह दिखता है। नाउ स्पर्मेटोसील का फोर्थ डिफरेंस है, स्पर्मेटोसील में स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं जबकि एपिडिडाइमल सिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। देन फिफ्थ डिफरेंस है स्पर्मेटोसील का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट तो एक्सेशन किया जाता है, एंड एपिडिडाइमल सिस्ट में अगर सिम्टोमेटिक है तो एक्सेशन किया जाता है। लेकिन इस मैनेजमेंट से एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि वो स्पर्म ट्रांसपोर्ट को वो कर सकता है, हैम्पर कर सकता है, और उसकी वजह से फिर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैरिकोसील को। तो वैरिकोसील क्या होता है, डायलेटेड टॉर्चुअस पैम्पनी फॉर्म फ्लेक्सिस ऑफ वेन्स होता है। पैम्पनी फॉर्म फ्लेक्सिस ऑफ वेन्स जो है वो डायलेट भी हो जाते हैं एंड टॉर्चुअस हो जाते हैं। एंड कॉमन कॉज होता है ये मेल इनफर्टिलिटी का। देन मोस्ट कॉमन जो है लेफ्ट साइड में होता है वैरिकोसील, क्योंकि इसके 3-4 रीजंस हैं। वो क्या क्या है, एक तो ये है कि लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन जो है वो लॉन्गर होती है, क्योंकि पहले वो रीनल वेन पे ड्रेन करती है, उसके बाद फिर इंपीरियर वीना कावा में जाती है। देन सेकंड ये रीज़न है कि जो लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन है वो ड्रेन करती है राइट एंगल पे लेफ़्ट रीनल वेन से, तो एक राइट एंगल बनाते हुए वो ड्रेन करती है उसमें। देन थर्ड डिफरेंस क्या है कि सिग्मोइड कॉलन जो है ना वो प्रेस कर सकता है लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन को, तो उसकी वजह से वो ड्रेनेज को और हैम्पर कर सकता है इसीलिए। देन फोर्थ रीज़न ये है वेरिकोसील का,
कि लेफ्ट एड्रिनल वेन जो है वो ओपन होती है अपोजिट टू द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, तो इसकी वजह से भी वैरिकोसील हो सकता है। देन वीनस सेल कार्सिनोमा ना वो स्प्रेड हो सकता है अलोंग द रीनल वेन और इसीलिए वो ब्लॉक कर सकता है टेस्टिकुलर वेन की ओपनिंग को, तो इसकी वजह से सेकेंडरी वैरिकोसील हो सकता है। इसलिए हम जब लेफ्ट एब्डोमेन को एग्जामिन करते हैं ना तो रीनल मास को भी एग्जामिन करना ज़रूरी होता है। तो ये लेफ्ट एड्रिनल वेन ओपन होती है अपोजिट टू द लेफ्ट एस्ट्रिंगुलर वेन, इसका इम्पोर्टेंस था। नाउ रिसेंट ऑनसेट अगर लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील है तो आरसीसी के फीचर भी दिख सकते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा के। क्लिनिकल फीचर और ग्रेडिंग कैसी होती है वेरिकोसील की? फर्स्ट तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, सेकेंड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्पर्म काउंट्स अगर कम हो गया तो उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो 2 डिग्री का डिफरेंस होता है ना वो मेंटेन किया जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म से टेस्टिस के अराउंड, जबकि जो ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं वेरिकोसील वाले उनमें ये मैकेनिज्म नहीं रहता है, इसीलिए टेम्परेचर राइज हो जाता है और स्पर्मेटोजेनेसिस फिर सफ़र करता है। देन थर्ड इसका क्लिनिकल फीचर होता है वेरिकोसील का कि डल पेन होता है स्क्रॉटम में, स्क्रॉटल स्वेलिंग हो जाती है ना, ये भी एक फीचर है फोर्थ। देन एग्जामिनेशन पे क्या बैग ऑफ वॉर्म्स की तरह एक फील होता है, एक बैग वॉर्म्स का एक बैग है जैसा, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है डायलेटेड वेन्स रहती है ना, तो वो फील होती है उस तरीके की। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है उसमें वेरिकोसील में? डॉपलर होता है इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। नाउ ग्रेडिंग कैसे होती है वेरिकोसील की? पहली ग्रेडिंग ये होती है कि इम्पाल्पेबल होता है वेरिकोसील और ये डिटेक्ट होता है सिर्फ डॉपलर करने पे। सेकेंड पाल्पेबल होता है एंड डिटेक्ट होता है डॉपलर करने पे। देन थर्ड क्या ग्रेडिंग है कि विजिबल होता है, अगर विजिबल होता है तो उस केस में थर्ड ग्रेडिंग होती है। देन मैनेजमेंट कैसे करते हैं वेरिकोसील का? अगर सिम्टोमेटिक है तो ही सिर्फ इंटरवेंशन करना होता है, मतलब ई सिम्टोमेटिक पेशेंट में हम इंटरवेंशन नहीं करते वेरिकोसील को। ई सिम्टोमेटिक वेरिकोसील ट्रीट करने का सिर्फ एक ही वो होता है इंटरवेंशन करने का क्राइटेरिया, कि अगर पेशेंट को क्वालिफाई करना होता है सिविल सर्विसेज को तो उस कंडीशन में ई सिम्टोमेटिक वेरिकोसील का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इंटरवेंशन क्या दिया जाता है, फिर 2 टाइप के इंटरवेंशन किए जा सकते हैं, एक तो एम्बोलाइजेशन एंड दूसरा सर्जिकल। तो सर्जिकल में क्या क्या किया जाता है, एक तो नोड्स किया जाता है दैट इज़ नेचुरल ओरिफाइस ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी, इसको ब्लैडर के थ्रू किया जाता है। दूसरा होता है इनग्वाइनल वेरिकोसिलेक्टोमी, इसके प्रोसीजर का नाम है इवानी सिवल प्रोसीजर। देन थर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन है रेट्रोपेरिटोनियल, इसमें जो प्रोसीजर किया जाता है वो पावलोमो प्रोसीजर होता है। देन इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरवेंशन, चाहे कोई भी इंटरवेंशन हम करें तो हाई रिकरेंस रेट तो वेरिकोसील का होता ही है, क्योंकि डबल ब्लड सप्लाई होता है टेस्टिस में, क्योंकि क्रेमेस्ट्रिक वेसल्स जो होती है वो भी सप्लाई करती है। तो सिर्फ 30-40% पेशेंट्स में स्पर्म काउंट में इम्प्रूवमेंट होता है, बाकी सब में रिकरेंस हो जाता है, तो इसीलिए स्पर्म काउंट्स उतने इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं। देन नेक्स्ट डिसीज़ का नाम है फॉर्नियस गैंग्रीन, नेक्स्ट टेस्टिकुलर डिसऑर्डर है। तो फॉर्नियस गैंग्रीन क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस होता है जो इन्वॉल्व करता है पेरिनियल रीजन को। तो नेक्रोटाइजिंग मतलब टिश्यू उसमें नेक्रोज हो जाता है, फैसाइटिस फेशिया का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये इन्वॉल्व करता है पेरिनियल रीजन को। ये अगर एक्सटेंड कर जाता है एब्डोमिनल वॉल तक तो इसको बोलते हैं मेलिनी गैंग्रीन। इसमें क्या किया जाता है मैनेजमेंट, सिनर्जिस्टिक इंजेक्शन दिया जाता है एरोबिक और सॉरी मैनेजमेंट इसका बाद में देखते हैं। ये ना एक सिनर्जिस्टिक इन्फेक्शन होता है, एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया दोनों इसको इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए सिनर्जिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी पॉलीमाइक्रोबियल नेचर का ये होता है। और मेनली ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स को इन्वॉल्व करता है, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स आते हैं एंड अगर एल्डरली पेशेंट है तो उनको इन्वॉल्व करता है। देन ये ट्रिवियल ट्रॉमा के साथ स्टार्ट हो सकता है, तो ट्रिवियल ट्रॉमा की तरह स्टार्ट होता है ये, कैथेटराइजेशन से मान लो छोटा सा ट्रॉमा हो गया या फॉलिकल रिमूवल से ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से भी स्टार्ट हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, एक तो पेन होता है
दूसरा फीवर बुखार आ जाता है, थर्ड पेक्यूलियर फाउल स्मेल आती है इसमें, तो एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल आती है इसमें, फिर फोर्थ शॉक इसका फीचर है। देन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एक तो आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, दूसरा आईवी एंटीबायोटिक दिया जाता है एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया दोनों के लिए, तीसरा पेन किलर्स दिया जाता है पेन के लिए, एंड शॉक मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा अग्रेसिव डिब्राइडमेंट किया जाता है, क्योंकि अगर हम डेड टिश्यू को छोड़ देते हैं तो डिसीज़ जो है वो एक्सटेंड होती रहेगी, इसलिए अग्रेसिव डिब्राइडमेंट कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट टेस्टिस एंड यूरेथ्रा जो है वो स्पेयर्ड रहते हैं यूजुअली, क्योंकि इसमें डबल ब्लड सप्लाई होता है, सॉरी ड्यूअल ब्लड सप्लाई होता है। तो फॉलीज कैथेटर को पुट किया जा सकता है, एंड इसमें कोई सुपरा प्यूबिक कैथेटराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एंड इसका मॉर्टेलिटी रेट जो है वो हाई होता है। तो टेस्टिस और यूरेथ्रा इसमें स्पेयर्ड रहते हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर कैप्शन लिखा हुआ था बेली में, वो क्या है कि आफ्टर डिब्राइडमेंट टेस्टिस लाइज शेमफुली, तो ये इसी को इंडिकेट कर रहा है कि टेस्टिस इन्वॉल्व्ड नहीं होता है। सो ये था टेस्टिकुलर डिसऑर्डर्स का नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।